मैंने कहा कि हमने चैप्टर टू का पूरी वीडियो, पूरी क्लासेस हमने देखा है। अगर हम मूल रूप से देखें कि कितने लेक्चर में ये क्लास कंप्लीट हुआ है, तो एक्चुअली ये हुआ है सात से आठ क्लासेस में कंप्लीट होता है। जब इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन की बात चलती है, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं उनको समझें। क्वेश्चन सॉल्यूशन जितने हमने किए, कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए हैं, ये सब मिलाते हैं ना, तब ये क्लासेस और बढ़ने लगता है, यानी 4-5 क्लासेस और बढ़ जाते हैं। फिर अभी रिविजन की वाली बात आ गई, तो ये एक क्लास और बढ़ गया, एक लेक्चर और बढ़ गया है। जब एमसीक्यूज की बात करेंगे तो एक या दो लेक्चर और बढ़ जाता है। तो रियल में देखा जाए तो हर एक चैप्टर, जैसे ये चैप्टर जो है 5 से 6 क्लासेस या 7 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। हमने उसको उसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में हमने थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसलिए थोड़ा बढ़ता है। हमेशा याद रखेंगे क्लासेस का जो टाइम है, मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कोई भी इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 ही क्लासेस होते हैं, और वो हुआ भी है उतने में कंप्लीट हुआ है। अब चलें बातें आगे करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है और हमने क्या देखा है अपने बुक से। तो आपको एक बात और कहना चाहूँगा, बुक, हर बच्चा, हर स्टेट का बच्चा सोचता है कि मेरे पास ये वाली बुक नहीं है, मेरे पास वो वाली बुक नहीं है। किसी भी स्टेट का वो स्टूडेंट हो, चाहे एमपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, या आरबीएससी का हो, यानी कि राजस्थान बोर्ड का, कोई भी बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, एनसीईआरटी को कोर्स जहाँ पर है, एनसीईआरटी कोर्स को हम जो फॉलो करते हैं सभी जगह पर, तो सबके कोर्स एक जैसे होते हैं। सो सबके बुक एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग राइटर यूज कर सकते हैं हम, तो राइटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल है उसी बुक का यूज करेंगे। अब ये हो गई बुक की बातें, यानी आप समझो, मुझसे कई बच्चे पूछते हैं सर मैं कौन सा बुक लूं, तो आप मुझसे मत पूछो, आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो, बस इतना ही कहूंगा। और दूसरी बात, आप अपने विवेक का उपयोग करें कि कौन से बुक आपको रखना चाहिए, कौन से नहीं रखना चाहिए। आप अपने सोच समझ से आप अपने बुक ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। और वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो मार्केट में मिलती है और दूसरा आपको फ्री में गूगल में मिलता है, तो गूगल से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या दूसरे अदर आप मीडियम वाले हो तो उसमें भी वो अवेलेबल है। अब चलते हैं पढ़ाई की बात करते हैं कि चैप्टर 3 में हमने क्या क्या देखा है उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो चैप्टर 3 में हम देखें यहां पर विलयनों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देखिए भैया, एक से लेकर के पूरा ये जो क्लास अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पूरा का पूरा इस चैप्टर को शुरू से यहां तक, यानी 15 लेक्चर तक जिन्होंने पढ़ा है, ये 16 लेक्चर है, तो जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर पढ़ा है उन्हीं के लिए यह क्लास है। और मैंने आपको बताया कि ये है कंप्लीट रिवीजन फ्रॉम बुक, आपके बुक दिखाऊंगा यहाँ पे कि इसमें आपने क्या क्या देखा है, तो थोड़ी सी हम इनके क्या क्या सिलेबस पोर्शन है वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए, अक्सर होता है कि हम शुरू में सिलेबस पोर्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है, हम कितनों भी बता दें ये है, वो आपको समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक उसके बारे में जानोगे नहीं। अब क्लोजिंग कर रहे हैं इस चैप्टर का, एक क्लासेस में एमसीक्यू का दूंगा, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे या 2.5 घंटे का जितना भी हो, तो वो क्लास आपको मिल सकता है, तो उसमें भी हम लोग बातचीत करेंगे, उसमें भी हम काम करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कल की क्लास में, कल की क्लास हो सकता है न्यू चैप्टर चालू कर दें और बीच में एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 का हम दे दें, तो ये हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दिन में आपको डबल क्लासेस भी मिल जाएगा, आप इतनी क्षमता रखो कि इन सबको पढ़ सको। फिलहाल अब बात कर रहे हैं बुक के बारे में, बुक से हम क्या क्या हमने या अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़े हैं चैप्टर 2 में। तो सॉल्यूशन के प्रकार पढ़े हैं आप लोगों ने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं। सेकंड है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, यानी कि हमने मोलैरिटी, मास परसेंटेज, पीपीएम, ये सब पढ़े हैं ना, ये वही है क्या हमने ये पढ़ा है। फिर बातें आती विलेयता, सॉल्युबिलिटी, लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके लिए, तो इनके लिए आप हेनरीज लॉ पढ़े हैं, हेनरीज लॉ पढ़े हैं। और हेनरीज लॉ में आपको याद होगा कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने पढ़ा है के एच एक्स ए, तो इस तरह से हमने पढ़ा है, तो कितनी मात्रा घुलती है, एक्स बी है, सॉरी एक्स बी, कितनी मात्रा विलेय का घुलता है
वो उसका मोल फ्रैक्शन प्रेशर जितना जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन घुलेगा, यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना सॉल्यूट यानी गैस घुलेगी, गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही अधिक होगा। तो ये वाला हमने पढ़ा है। एक बात है, प्रेशर का इफेक्ट इसमें पड़ता है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, जबकि इस पर प्रेशर का इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों में पड़ता है, इसमें इसमें पड़ता है। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे, जितना बढ़ाओगे तापमान, उतना ही ये गैस कम घुलती है, जबकि यहाँ पर तापमान जितना बढ़ाओगे वो ठोस उतना ही ज़्यादा घुलता है। ठोस नमक, नमक को पानी में घोलोगे तो कम तापमान पर कम घुलेगा, अधिक तापमान पर अधिक घुलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट है। चलिए ये पढ़े हमने, शुद्ध द्रव का वाष्पदाब राउल्ट्स लॉ पढ़े हैं, और विलयन का वेपर प्रेशर क्या होगा इसको हमने स्टडी किया है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, स्थिर क्वाथि मिश्रण, है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाम बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा है उसको लिखने दे, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दिया करें। स्थिर क्वाथि मिश्रण, लास्ट में आप सबसे कुछ बातें करूंगा, इसके लिए चैटिंग करेंगे, अभी बिल्कुल कोई चैटिंग ना करें, बस आपको सुनना है, फिर हम आगे चलेंगे। फिर देखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि हमने पढ़ा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसी के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ अब मोलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं, ये पढ़े हमने। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर। अब पढ़े लास्ट में हमने पढ़ा है, ये देखिएगा, अब असामान्य आणविक द्रव्यमान, बताइए हमने ऐसा कौन सा टॉपिक इसमें से छोड़े हैं, है ना, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास यानी कि वांट हाफ फैक्टर वगैरह हमने पढ़ा, पूरी टॉपिक हमने कवर किया है। और हर टॉपिक को अगर लाइन से पढ़ते गए हो, बुक भी आप स्टडी करते गए हो, तो आपको बेटा कोई पछाड़ नहीं सकता है। साथ में प्रैक्टिस आप ही को करना है, और किस लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं, हर बुक की अपनी एक विशेषता होती है, और इस बुक की एक विशेषता है कि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर दिया गया है, परीक्षा बोर्ड परीक्षाओं से प्रश्न दिए गए हैं कि जो आते हैं, जो एग्जाम्स में आए हैं, और ये इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आता क्या बोला, अधिन्यास मतलब मुझे नहीं समझ में आता, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए, और जेई एडवांस के और बिहार बोर्ड की परीक्षाओं के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस बुक में है। तो यहाँ पर मैं कोई बुक को नहीं कर रहा हूँ, तो जो बुक है ये दिनेश की बुक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ऐसे ही कोई भी बुक हो आपके पास, हर एक बुक से आप पढ़ाई कर सकते हो। अब मैं इस बुक के बेस पर वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो देखा है उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाते जाऊँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा। चलिए देखते जाते हैं। सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन क्या है हमने यहाँ पर पढ़ा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़े फास्ट चलेंगे बेटा, क्योंकि इतने सारे कंटेंट्स हैं तो हम इसको फास्ट ही करेंगे। और आप सबको मुबारक हो, यह चैप्टर आपका हो गया है, और इस चैप्टर में आप प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यूज आपके बुक में पीछे होगा, उसको सॉल्व करके देखो, और आप प्रैक्टिस बस करो बेटा, आप कहीं भी कमजोर पढ़ते हो तो उसको और अच्छे से करो, बस इतना कहूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो है आपको बड़ा चैलेंज लेके आने वाला है। छोटा चैलेंज ये है, बड़ा चैलेंज चैप्टर नंबर 3 है, और उससे बड़ा चैलेंज लेके आएगा चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 5 जो है कोई चैलेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में आते ही फिर से बड़ा चैलेंज आ जाएगा, वो केमिस्ट्री एक तरह का शुरुआत हो जाती है, तो वो अब देखते जाए। सतीश, वर्षा, रीचा दुबे, अंजू, और जो लोग अभी इस टाइम ऑनलाइन नहीं है वो बाद में आप हमारे कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना नाम लिख देंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपने कवर कर लिया है। ठीक है, इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम आ रही है, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा ये क्लास। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, उसके बाद कि सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, ये सब हमने पढ़ा है, बस एक बार रिवाइज कर लो बस। और हमने 9 टाइप का हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, किसके बेस पर, कि जो विलेय है और विलायक है उनके स्टेट के आधार पर, उसकी अवस्था के आधार पर, तो ये सब हुआ है आपका। चलो आगे चलते हैं। विलयनों की सांद्रता, सांद्रता स्ट्रेंथ, सांद्रता मतलब क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं, ये छोटी सी बात। फिर हमने प्रतिशत द्रव्यमान यानी मास परसेंट, फिर इसके बाद है क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, बस यही बताना है मुझे और कुछ नहीं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको एक विश्वास रहे कि हमने ये पढ़ा है और ये हमें करना है। फिर इसी तरह से ये लिखे पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, बुक अपने तरह से लिखता है फॉर्मूला, हम अपने तरफ से लिखे हैं। देखिए मोलारता, मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल एम,
इन्होंने लिखा है कि विलयन के एक लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, हमने इसको कैसे लिखा है, ग्राम अणु शब्द न लगाते हमने मोल की संख्या लिखा, ग्राम अणु। एक बात हमेशा याद रखना कि ये यहां पर ग्राम अणु लिखा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल याद रखना, ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल को डिफाइन करती है, मोल ही होता है। अब ये मॉलिक्यूल है तो हमने ग्राम मॉलिक्यूल लिखा, अगर वो परमाणु है तो ग्राम परमाणु लिखेंगे, अणु है तो ग्राम अणु लिखेंगे, इस तरह से ये चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। फॉर्मेलिटी पढ़े हम लोग, फॉर्मलता पढ़े थे हमने, है ना। अब यहां पर एक चीज है, ये देखिएगा कि यदि दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो तीसरे सॉल्यूशन जो बनेगा, दो सॉल्यूशन को मिलाने पर एक नया सॉल्यूशन बनेगा, उस नए सॉल्यूशन की क्या मोलैरिटी होगा, ये कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बताया था, आपको याद होगा, एक सॉल्यूशन M1 V1 उसकी मोलैरिटी और उसकी वॉल्यूम, प्लस दूसरा सॉल्यूशन M2 V2, थर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा M3 V3, और V3 का मतलब क्या होता है, आपको बताया था मैंने, V3 का मतलब होगा V1 प्लस V2, इस तरह का फॉर्मूला आपका बनता है, यहां पर लिखा भी है, देखो M3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। चलें, कुछ स्पेशल बातें होंगी मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो हमने फॉर्मेलिटी भी पढ़े हैं, पूरी चीजों को एक एक करके आपको दिखाते जाऊं। मोलैरिटी के लिए बस यहां पर मोल शब्द लिखा है जबकि वहां पर ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया था, तो आपको कंफ्यूजन आएगा कि भाई मोलैरिटी के लिए हमने ग्राम अणु लिखेंगे, यहां पर ग्राम मोलों की संख्या लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो आपको कॉपी में कराया गया है, आपको जो मैं पढ़ाया हूं वो बेहतर है, वो उस जगह पे आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर्मूला भी हमने ऐसे ही थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, हमने फॉर्मूला भी लिखे हैं, तो जैसे मोलैरिटी या मोलैलिटी का फॉर्मूला, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो भैया हमने लिखा कि फॉर्मूला लास्ट में WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, हमने इसको इन ग्राम इस तरह से डेराइव करे हैं। सो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर आप उस चीज को समझ पाओगे और उसके न्यूमेरिकल भी बना पाओगे। ये बातें हुई है, अब देख लो आपके सामने बुक रखा हुआ है, जबकि इसमें जिस तरह से लिखा हुआ है आप इस तरह से करोगे तो आप हर बार कंफ्यूज होगे। जैसे कि विलेय के ग्राम मोल बाई किलोग्राम में विलायक का द्रव्यमान, इतने में आप एग्जाम में लिख के आते हो, एक डेफिनेशन लिख के आते हो और ये पढ़ के आते हो, तो क्या मिला आपको। एक बात तो हुई कि हम बुक के भरोसे ही नहीं रह सकते हैं, टीचर आपको गाइडलाइन करेगा, बुक आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, बुक से ही सीधा करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हमें गाइडलाइन है बस और कुछ नहीं, हमें गाइड है जो आपको गाइडलाइन करते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, मोलैरिटी। अच्छा, अब एक बड़े मजेदार चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, देखिए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसमें इस पर किस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू NB बाई V, शॉर्ट में लिख रहा हूं फॉर्मूला, और मोलैलिटी NB बाई WA, दोनों में फर्क क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर तापमान पर। आपको पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम का इफेक्ट किसमें है, इसमें है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें है, यानी कि टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, यानी मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखेंगे, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, जबकि मोलैलिटी पर, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों और कैसे प्रभाव पड़ेगा वो भी बताते हैं। आप जानते हो टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, किसी विलयन का तापमान बढ़ा दोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, विलयन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी, ताप बढ़ाओगे तो विलयन की मोलरता घट जाएगी, ताप घटाओगे तो विलयन की मोलरता बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा है।
ये आप जब MCQs वगैरह करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो बताओ यार कहां से ढूंढोगे, अपने विवेक से ढूंढना है ये सब चीजें वहीं पर। फिलहाल अब चलो यहां पर चले, ताप का प्रभाव मास पर नहीं पड़ता है, द्रव्यमान पर नहीं पड़ता है। यार किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा नहीं, वो तो फिक्स वैल्यू है, ठीक है। सो इस स्थिति में मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी तापमान बढ़ाओ या घटाओ उस विलयन की मोललता फिक्स रहेगी। सो ज्यादा सटीकता इसमें रहती है, एक्यूरेसी इसमें रहती है, इसमें नहीं रहती है। कश्मीर में वही सॉल्यूशन इसकी मोलैरिटी अलग है, और हम जहां रहते गर्म प्रदेशों में हमारे लिए वो मोलैरिटी अलग है। कश्मीर में मोलैरिटी जो है ज्यादा होगी उसी सॉल्यूशन की, और हमारे यहां जो गर्म देश है वहां पे कम होगी, क्योंकि ज्यादा तापमान पर वॉल्यूम ज्यादा होगा सो मोलैरिटी कम होगा। ये छोटी सी बात, नॉर्मेलिटी आपने देख लिया, नॉर्मलता के लिए आपने फॉर्मूला डेराइव किए हैं, तो नॉर्मेलिटी के लिए भी फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, तो सब कुछ याद है। मैं यहां पर कुछ नहीं करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। सो अभी अपन चलते हैं, दो विलयनों को मिलाएंगे तो भी उसी तरह के फॉर्मूले बन जाते हैं। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल प्रभाज, इस तरह के शब्दों से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर मोल फ्रैक्शन, कितने चीजें हमने पढ़ा है उसके फॉर्मूले हमने इस तरह से यहां पर लिखा हुआ है, आंकिक प्रश्नों हेतु सूत्र। आंकिक प्रश्नों हेतु सूत्र मतलब ये होता है कि कौन कौन से हमें मतलब न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, इस तरह के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और इस फॉर्मूले को आपको सिंप्लीफाई करके दिया गया, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत लिखा हुआ है, तो इसको सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या बताया था, इसको फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख दो, अगर परसेंट बी का परसेंट निकालना है तो डब्ल्यू बी इंटू 100 बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इस तरह से वही लिखा हुआ है। इसी तरह से आयतन प्रतिशत का, ppm का, मोलैरिटी के लिए हमने फॉर्मूला करा है, आपको याद आ गया होगा। फिर से वही बात, इस तरह से याद करने से आपको तकलीफ हो सकती है, कैलकुलेशन घुमावदार हो सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, न्यूमेरिकल बनाने में तकलीफ हो सकती है। इसको सरल बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हो कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी एन एम एल, तो कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए केमिस्ट्री। इस चैप्टर को आपके बुक की तुलना में, आपके बुक की तुलना में, आपके स्कूल के ट्यूशन के तुलना में, आपके टीचर के तुलना में मैंने आपके लिए काफी आसान कर दिया इस चैप्टर को। तो आप उसी तरह से करो जैसा कि मैंने बताया, आप घबराइए नहीं, हो सकता है कि आपके स्कूल में सही चीज को भी गलत कर दे आपकी, किस टाइम पर कि जब एग्जाम, जो एग्जाम होते हैं ना टर्मिनल एग्जाम होते हैं, मिड टर्म वन मिड टर्म सेकेंड मिड टर्म थर्ड, इस तरह का होता है, या हाफ ईयरली एग्जाम होता है, त्रैमासी हाफ ईयरली, और क्या होते हैं एक, तो उस टाइप पे तुम्हारे स्कूल के टीचर चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है वो गलत हो जाए, लेकिन एनुअल एग्जाम में जो आप कमाल दिखाओगे बेटा, मुझ पर भरोसा बस करो, वो कमाल आप दिखा सकते हो। चलो आगे चलते हैं, इस चैप्टर के लिए अपन एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में भी ध्यान देना, ये मोलरता, हाँ मोलैलिटी और मोलैरिटी में संबंध के लिए फॉर्मूला। अब बेटा ऐसे चीजों को कैसे आप बनाओगे यार, ऐसे हड़बड़ा जाओगे। सो इसको मैं इजी कर देता हूं, चलिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं, चलिए करें, बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूं आपको। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में मैं एक रिलेशनशिप तय करता हूं, चलो ठीक है। फॉर्मूला है आपके पास मोलैलिटी का, मोलैरिटी का, इसमें आपको क्या मिलेगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी, इसके लिए मैं ये लिख दे हूं। अब बताओ मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या कॉमन है, एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू 1000, ये इन एम एल है ना, और एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, आपको कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको हम एक तरफ कर लें, जैसे इसमें ये कॉमन है, इतना कॉमन है, क्या मिला, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इज इक्वल्स टू क्या, एम इंटू वी, ये इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। इसमें भी वही चीज कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन मतलब दोनों में सेम चीजें क्या है, देख लो, ये हो गया एम बी
है ना, इतना मिला, और m into w a. इससे देखो ये इक्वेशन नंबर, इसको हमने 2 कर दिया, 1 एंड 2, ये दोनों कॉमन है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, सो ये दोनों इक्वल हो गया. फाइनली क्या मिलेगा, कैपिटल m into v इज इक्वल्स टू स्मॉल m into w a. इस बात पे ध्यान देना कि यदि ये इसका वॉल्यूम लीटर में है तो ये किलोग्राम में होगा इसका मास, अगर ये ml में है तो ये हो जाएगा ग्राम में, बस इतना ध्यान रखना. तो ये चीजें यहां पर मिलेगा आपको, मोलैरिटी और मोलैलिटी में संबंध फाइनल, ठीक है. इस तरह से ये काफी आसान हो जाता है. तो इन दोनों के बीच में संबंध, अगर आपको मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी से मोलैरिटी करना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यही चीज यहां पर मिलेगा आपको. तो काफी आसान हो गया, देख लो आप, ठीक है. चलो, नॉर्मेलिटी और में नॉर्मेलिटी है, मोल अंश है, ये सब अपन कर लिए ना. मोलैरिटी एवं घनत्व में संबंध, घनत्व डेंसिटी, तो डेंसिटी यार उसके पीछे जाओ ही मत, आपको बिल्कुल आसान लगेगा. क्योंकि देखिए आपने, मैं तब यहां टाइम लगाने की जरूरत, वैसे भी डेंसिटी का फॉर्मूला तो जानते हो, डेंसिटी घनत्व बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है. ये सब हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ये सब हमसे हो चुका है. तो अब इससे रिलेटेड प्रतिशत, क्या लिखे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम से आधारित जो फॉर्मूले हमने देखे हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल से हमने पढ़ लिए हैं. सो आपको यहां पर एक दो ठो ऐसे ही आपको डिटेल में दिखा देता हूं, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग बना लोगे. देखो देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन इजिली बना लोगे अपने, हमारे फॉर्मूले के बेस पर अपन बनाएंगे. क्या लिखा हुआ है देखो, कि 250 ग्राम में 25% शर्करा है. हमने इस क्वेश्चन को बना लिए हैं, आपको याद होगा मैंने इस क्वेश्चन को दिए हैं आपको, ठीक है. तो इसमें पानी के द्रव्यमानों की संख्या निकाले, शक्कर तथा पानी का, दोनों का मास निकालना है. तो ये हो जाएगा, पानी के लिए होगा डब्ल्यू ए, इसके लिए हो गया डब्ल्यू बी. परसेंटेज वाली बात होती तो फॉर्मूला हम कुछ ऐसा लिखते हैं, परसेंटेज इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं आपको याद है ना, डब्ल्यू बी इंटू 100 बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, इस तरह से बनाए हैं. तो ये आपसे बन जाएगा, हमें पता है, आप बस कोशिश करो और बनाओ, ठीक है. तो चलें आगे, थोड़ा आगे, और ऐसे ही है. तो ये सब क्वेश्चंस आपको बनाना है, आपकी बुक अपन को ओपन करो और उस बुक से आप ट्राई करते जाओ, बनाने की कोशिश करते जाओ. ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन को मैंने, इस क्वेश्चन को उस टाइम मैंने हल्के किसी एक न्यूमेरिकल को बनाते समय मैं इसके बारे में बताया था, अभी मैं आपको इसको समझा देता हूं. देखिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इस पर ध्यान दे. लिखा है 273 केल्विन पर, 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस, हम एक शुद्ध जल की मोलरता की गणना करो, मोलैरिटी की गणना करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करना है. मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा आप जानते हो सभी, क्या होगा फॉर्मूला, बार बार लिख रहा हूं आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी. अब पानी है, उस पानी में कुछ भी नहीं है, वही पानी विलेय है, वही पानी विलायक है, वही पानी सॉल्वेंट है, वही पानी सॉल्यूट है. तो डब्ल्यू बी पानी, पानी डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू बी पानी, और आयतन, पानी का आयतन कितना है 1000, आपने विलेय लिए हैं तो ये कितना ग्राम है 1000 ग्राम, पानी छह, ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन और उसका द्रव्यमान दोनों इक्वल होगा, बराबर 1 किलोग्राम 1 लीटर होगा, 1 ग्राम 1 एमएल होगा. सो पानी कितना लिए 1000 ग्राम है, और उसका आयतन कितना है विलयन का, विलयन का आयतन कितना है 1000 एमएल ले लिए, 1000 एमएल पानी लेते हो तो उसका द्रव्यमान कितना है, इतना है पानी, इतना, ठीक. और एम बी पानी का, एम बी कितना होता है 18, वैल्यू पुट करो, ये हो गया 1000, ये 1000 और ये 1000 कट गया, बन गया 1000 बाई 18, तो कितना मिला 55.55 मोल पर लीटर,
हो गया आंसर, या मोलारिटी भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये सब आपको ये हो गया, मतलब हमने कहा है कि बुक में क्या है वो बताना है मुझे, मैं ये नहीं बता रहा सब पता है कि नहीं। ये क्लास क्लोजिंग क्लास है, इस चैप्टर का क्लोजिंग क्लास है, तो क्लोजिंग क्लास में मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूं कि इसमें आपकी बुक दिखा रहा हूं कि आपने क्या क्या देखा है, कुछ छूट ना जाए, कुछ बातें वो हम आपको करा देते हैं। तो इससे न्यूमेरिकल आप रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है यहां पर लिखा हुआ है 93% मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम 100 ml, V इज इक्वल टू 100 में W जो है, WB जो है वो 93 ग्राम है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। आगे चलें, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे अब आराम से, बाकी ये सब न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसे ही अभ्यास के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में रहते हैं, सारे क्वेश्चन को एक एक बार बना बना के देखो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख जितना देखना चाहें, आज चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बना के देखने के लिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये लीजिए इस बुक का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाने की कोशिश करिए। हो गया स्क्रीनशॉट, हम आगे चलें। ठीक है, ये सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ठोस की द्रव में और गैस की, ये बातें हम कर चुके हैं, तो इसमें हेनरीज लॉ भी आएगा गैस के साथ के लिए, तो इसको आप एक बार ओपन करके देखिएगा। कोई सॉलिड पानी में क्यों घुलता है, अगर कोई रीजन हो तो ये रीजन, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में आपके, तो जैसे आपका नमक NaCl पानी में क्यों घुल जाता है, तो इसमें कुछ एक वर्ड्स है, कुछ एक चीजें हैं उसको जानना चाहिए। जैसे यहां पर बोला जाता है NaCl पानी में जब घुलती है तो क्या बनाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो Na प्लस आयन पानी को हमने यहां पर इस तरह से बना दिए हैं, पानी H2O इस तरह से, तो H2O में अगर हम कुछ इस तरह से लिखें तो आप जानते हो कि ये पार्शियली निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियली निगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, इस तरह से। तो ये पूरा मॉलिक्यूल को हमने कुछ इस तरह से बना दिए हैं, इस तरह से, जिस तरफ ऑक्सीजन है उस तरफ निगेटिव साइन लगा दिए और जिस तरफ हाइड्रोजन है उसको प्लस साइन लगा दिए। तो देखो पानी जो है, पानी में Na प्लस आयन को जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह से घेर के रखा हुआ है, तो वाटर का नेगेटिव पार्ट इसके प्लस की तरफ आता है। तो यहां पर दो तरह के शब्दों का उपयोग होता है, देखिए दो तरह के शब्दों का उपयोग होता है, यहीं पे लिखा होगा कहीं पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है दो शब्द, ये दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी जिसको जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा, हिंदी में इसको जालक ऊर्जा कहेंगे, जालक ऊर्जा, और लैटिस एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अगर कोई चीज घुल रहा है, विलेय है, सॉल्युबल है, विलेयता का कारण क्या, किसी ठोस की विलेयता का कारण क्या है, क्योंकि जाल, देखो अगर घुलता है तो इसका मतलब, इसको लैटिस एनर्जी को मैं यू से डिनोट कर दूं या सिंपली मैं यहां से दिखा दे EL दिखा दूं तो लैटिस एनर्जी दिखेगा आपको, और ये इसको EH से दिखा देता हूं, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो घुलेगा। अगर किसी ने पूछा, सिंपल वे में एकदम जवाब देना है, ऐसे प्रश्न है आपके पास कि भैया बेरिलियम सल्फेट जल में घुल जाता है, ये सॉल्युबल है, ठीक है, ये सॉल्युबल है, लेकिन बेरियम सल्फेट जल में नहीं घुलता है, क्यों? बिल्कुल सिंपल सा जवाब देना, ये जल में घुलती है, इसका मतलब है इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, या हाइड्रेशन एनर्जी जो है,
लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। चलो अब इतना ही देना। बेरियम सल्फेट जल में घुलता नहीं है, क्यों? तो बोल देना कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है उसके लैटिस एनर्जी से कम है, यानी कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो यहां पर क्या मिला आपको, एल की तुलना में एच ज्यादा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा की तुलना में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, यहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब लैटिस ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जालक क्रिस्टल जालक, ये सब आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो उसी से संबंधित है। यहाँ हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी के साथ इनके आयनों का जुड़ना। आयनों का जब जुड़ती है, एक समझ ले इस तरह से, एक मोल आयन जल के अणुओं के साथ वो क्या होती है, ज्वाइंट होती है, तो जितनी एनर्जी वो रिलीज होती है उसको हम उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको गहराई में जितने बुक के अंदर जाओगे, मैंने एक बात बताना चाहूंगा, जितना मैंने पढ़ाया, जितना कोई टीचर पढ़ाएगा, वो एक सिर्फ गाइडलाइन है। मतलब मैंने गाइड किया है आपको, गहराई में गोता लगाना है तो आपको तो उतरना ही पड़ेगा सागर में। ज्ञान का ये सागर होता है पुस्तक, ज्ञान के सागर में उतरना पड़ेगा और गोता लगाना पड़ेगा अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो ये आपको करते रहना है। चलो आगे चलें। देखिए यहां पर एक और शब्द, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अधिकांश स्थितियों में विलेय जो कि सामान्यतः क्रिस्टली लवण होते हैं, उष्मा शोषित करके जल में घुलते हैं। ये बात बोला गया, यानी जल में जब घुलता है तो क्या होती है, वो उष्मा लेती है, एनर्जी लेती है। बात याद रखिए, यानी बॉन्ड ये बंधित होता है तब क्या लेती है, ऊर्जा लेती है, यानी कि यहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात चल रही। चलिए तो यहां पर तो क्लियर है। यहां पर एक और बात कह रहा था, इसको देखिए, यहां पर कोई भी सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी विलेय प्लस विलायक यानी सॉल्वेंट, B प्लस ए इज इक्वल टू सॉल्यूशन ए बी, तो उस टाइम डेल्टा H की वैल्यू जो होती है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये उष्मा शोषी को बताता है। उष्मा क्षेपी की बात करें, उष्मा निकलने वाली बात है, तो यहां पर उष्मा निकलने वाली बात है, तब क्या लिखा गया, लिथियम कार्बोनेट, क्या होता है, सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब चीजें हैं, जब ये घुलता है तो उष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार का, तो आपको समझना है विलेयता किस बात पर डिपेंड करेगा। आपने ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पढ़े हैं, जो चीजें, जैसे मैं आपको सिंपल सा कुछ एक एग्जांपल बताता हूं, ग्लूकोज को जब पानी में घोलते हो तो वो ठंडी हो जाती है। ग्लूकोज को जब पानी में घोलते हो तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडा लगता है। इसका मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी वो उष्मा शोषी है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है वहां पे। तो ऐसे चीजों को घोलना है अधिक मात्रा में तो उसे गर्म करना पड़ेगा। इंडोथर्मिक प्रोसेस से यानी उष्मा शोषी प्रक्रियाओं के द्वारा जो घुलता है उसको ज्यादा घोलना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, गर्म, जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा मात्रा में वो पदार्थ घुलेगा। कुछ और चीजें हैं जिनको अगर पानी में मिलाते हो तो वो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें से उष्मा निकलती है, हीट निकलती है। जैसे आपने एक एग्जांपल मैं बता दूं आपके लिए, वॉशिंग पाउडर को पानी में जब घोलते हो, डिटर्जेंट पाउडर को पानी में घोलते हो तो थोड़ा गर्म हो जाता है, आपने कभी ये फील किया होगा। तो ये एक्सोथर्मिक है, उष्मा क्षेपी है, उष्मा निकलती है, गर्म हो जाता है। तो ऐसी चीजों को घोलना होगा तो उसे थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, ली चैटेलियर के नियमानुसार। ली चैटेलियर प्रिंसिपल आपने इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं क्लास 11th में, तो आपको वहां पे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो बुक दिखाना है आपको आज। चलो आगे चलिए। ठीक है, सभी बच्चों को अपने अपने तरह से पढ़ना है, अपने अपने तरह से देखना है। चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे, यहां पर देखें कि द्रव की, द्रव में विलेयता के बारे में बातचीत, ये सारी चीजें आपको, अब हम आगे चलते हैं, द्रव में गैस की, द्रव में विलेयता। यहां पर देखें, हमने हेनरीज लॉ पढ़ लिए हैं, हेनरी के नियम के उपयोग। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है,
तो अपने बुक ओपन कर लेना, कुछ क्वेश्चंस हैं ये कॉपी कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको थोड़ी मेहनत कर लो। चलो हो गया क्या, जल्दी बताओ, जल्दी से करो इसको, एक स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। हो गया होगा, जल्दी करो जल्दी। चलिए सारे बच्चे इसको नोट कर लो बेटा, फिर अपने से कोशिश करना एक बार, मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ। इसको भी करो, चलो इसको भी करो एक बार, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, लिखो। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी की पूरी चीजें आप सीख सकें, और एक टेस्ट की तरफ जाएंगे तो सब बना के दिखाइएगा, सबसे अच्छा मार्क्स लाना है आपको और सबको आगे बढ़ना है। ये कुछ क्वेश्चन, इसको बना के देखिएगा, ये लीजिए, ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, ले लो। हाँ जी, जल्दी करें, ठीक है। हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर और इसके लिए हमने रॉयल्स लॉ पढ़ाए हैं, तो यहां पर हमें रुकने की जरूरत नहीं है। देखो कोई टॉपिक ना छूटे बेटा, इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूं। ये सब जो लिखा है लिक्विड का नेचर क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा अपने बुक से, जो भी बुक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कि आपके पास कौन सी बुक है। ये सब चीजें थोड़ी स्टडी कर लो, जैसे वेपर प्रेशर, दाब, द्रव विलयन के वाष्प दाब, पूरा फुल। अगर ये चीज तो आप जानते हो कि कोई भी, ये हमने डाल्टन्स के लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो या दो से अधिक गैसों को जो आपस में रिएक्शन नहीं करते उनको मिला दिया जाए, एक ही सिलेंडर में भर दिया जाए, तो उसी सिलेंडर में अलग अलग भरने पर जो प्रेशर मिलता है वही प्रेशर एक साथ मिलाने पर मिलेगा, करने पर उसके टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर, एक का पी ए है एक का पी बी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा। रॉल्स लॉ आपने पढ़ लिए हैं, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और उसमें हमने डेराइव भी कर लिया पूरा पूरा, तो यहाँ पर हमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ आदर्श अनादर्श विलयन, ठीक है, ये भी हो गया है आपका, तो कुछ चीजें स्पेशल नजर आएगी तो बताऊंगा। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन हमने देखा है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करती है, यानी इसको फॉलो करता है, उसका पालन करता है, जो नहीं करता है उसको हम अनादर्श विलयन कह देते हैं। आदर्श विलयन जब बनता है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलायकों, विलय और विलायक की दोनों का आयतन का, मतलब वॉल्यूम एक जो होता है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होता है। सो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आती, एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आती है, जैसे कि वहां पर भी वही होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम रॉल्स लॉ के बेस पर बोलें तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट ए एक्स ए होगा, लेकिन यहां पर नॉट होगा, यस, इस तरह से। तो ये कुछ अंतर है, उसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आप बना सको। हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे, आपको याद होगा, ये क्या बोलना चाहिए, हम कहेंगे कि आदर्श विलयन में उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी घटक होते हैं, विलेय और विलायक, दोनों की आणविक संरचना एक जैसी होती है और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी होती है, या पोलैरिटी भी एक जैसी होती है। सो आपको बस मैं थोड़ी फास्ट ले लूं, कुछ स्पेशल अगर कुछ चीजें नजर आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको थोड़ी सी बात मैं यहां पे बोलूंगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ऐसा निश्चित संगठन वाला एक ऐसा मिक्सचर जिसमें उनके कंपोनेंट की कंपोजिशन जो होती है, यानी संगठन होता है, वो निश्चित स्थिति में किसी निश्चित परसेंटेज में आने पर उनको बॉइल करेंगे तो उनके जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा, उसका संगठन चेंज नहीं होगा। मतलब उसको अगर बॉइल करते हैं या आसवन करते हैं या डिस्टिलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में वो किसी प्रकार से उनके कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको स्थिर क्वाथी सॉल्यूशन कहते हैं। अब स्थिर क्वाथी क्यों कहा, एक तो कारण ये हुआ, दूसरा कारण ये हुआ कि दोनों कंपोनेंट के अगर कोई सॉल्यूशन है, दोनों लिक्विड है और उसका सॉल्यूशन बनाए, तो दोनों का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट पर वो बॉइल होती है। लेकिन जब एक निश्चित परसेंटेज में आ जाता है ना, किसी खास परसेंटेज में, तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है मिल करके एक बन जाता है, यानी दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं बॉइल होती है, तो इसको कहा जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हमने जो पढ़ा है, अगर अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखना है तो बिल्कुल जो उस जगह पे जहां पे वीडियो पढ़ा है तो वहां से जाके देख लीजिएगा। टेस्ट कब होगा मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आज ही मैं आपको बताने वाला हूं,
तो मैं थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ टेस्ट, उसके बाद बताता हूँ बेटा जस्ट। लेकिन हम चालू कर सकते हैं, नया चैप्टर चालू कर सकते हैं और एमसीक्यूज के लिए भी एक एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा देखें कुछ एग्जांपल्स। स्थिर क्वाथि मिश्रण, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लिखा है न्यून स्थिर क्वाथि मिश्रण। तो स्थिर क्वाथि मिश्रण जो होते हैं, एजोट्रॉपिक मिश्रण जो होता है, दो टाइप का होता है। अपन डीप में जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा दो टाइप का होता है। एक होता है मिनिमम एजोट्रॉपिक मिक्सर और दूसरा होता है मैक्सिमम एक्सोट्रॉपिक। तो न्यूनतम वाले को कहते हैं न्यूनतम, मिनिमम वाले को न्यूनतम बोलते हैं। न्यूनतम ये लिखा है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक लिखा एक शब्द है। तो न्यूनतम स्थिर क्वाथि मिश्रण, न्यूनतम स्थिर क्वाथि मिश्रण में क्या खास बात होगा? इसमें बात ये होगा कि दो कंपोनेंट है, हम देखें यहां पे कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। इसमें क्या क्या लिया गया है देखो, वाटर इथेनॉल, इन दोनों से मिलकर के क्या बना, इन दोनों का वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट 373 और इथेनॉल का है 351.3 केल्विन। इनके एक निश्चित परसेंटेज है, इथेनॉल 95.57% में जब होता है तब ये स्थिर क्वाथि मिश्रण बना लेता है। अब यहां पर न्यून शब्द लिखा है, न्यून क्या, न्यून क्वाथि स्थिर क्वाथि मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप लिखा हुआ है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का क्या मतलब हुआ कि इनके और इनके क्वथनांक से इसका क्वथनांक कम होगा। देख लो, चेक कर लो, 373 से ये कम है लेकिन इन दोनों से कम है ये 351.1। सो ये दोनों के क्वथनांकों से कम होता है। मतलब यहां पर आपको बता दूं सिंपल वे में आप समझोगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप किसको बोलेंगे, ऐसा एजियोट्रॉप जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। एक बार और, न्यूनतम ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बस इतना ही। और इसी तरह से मैक्सिमम वाला होगा तो उसको दोनों से ज्यादा होगा। कुछ न्यूमेरिकल अगर आप बनाने की अगर मन रखते हो तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया आप लोगों ने। हम देखें और छोटी सी एकात और टॉपिक, अणु संख्या गुणधर्म। आप जानते हो अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण, विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। और इसमें हमने चार अणु संख्या गुणधर्मों को देखते हैं। ये देखिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, ये देखिए हमने। और इनके पूरे डिटेल्स हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को रॉल्ट के नियम के अनुसार हमने आपको क्या करा, उसको डराइव करके भी दिखाया आपको। तो इस तरह की सारी चीजें आपको मिलती है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे क्वेश्चन है, इसको बना के देखिएगा, इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने जिस तरह से बनाया है वो तो बात है ही, लेकिन आपको भी अपने तरफ से इनको बनाने की कोशिश करो। ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हमने क्वथनांक उन्नयन अच्छे से पढ़ा है, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, ठीक है। देखते जाइए बेटा, कुछ छूटे तो नहीं है हमसे, कुछ एक सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका उन्नयन स्थिरांक दिया गया है, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लिख बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद देखें, ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, अगर चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। एकदम साफ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा धुंधला है, पर अगर आप छोटे स्क्रीन पर देख रहे हो तो एकदम क्लियर दिखाई देगा, बड़े स्क्रीन पर भी क्लियर दिखता है। चलिए तो हम आगे बढ़ें, ये न्यूमेरिकल्स है, इनको बना के देखिए। हमने जो काम किया है तो उसके बेस पर मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखा रहा हूं, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। चले फिर इसके बाद हमने हिमांक अवनमन भी देखा है पूरे डिटेल में, आप उसे देख सकते हैं, और उनका मैंने ग्राफ भी आपको समझाया है और इनके फॉर्मूले भी डेराइव करवाए हमने आपको। तो ये सब मुझे नहीं लगता है कि स्पेशल आपको और अलग से इसको बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
हाँ, एक शब्द हमने पढ़ा है एंटी फ्रिज। एंटी फ्रिज के बारे में हमने डिटेल लिया है, आपको याद हो तो। यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये सब हो गया है। एक न्यूमेरिकल देखिएगा यहाँ पर, न्यूमेरिकल आपको बनाना तो मैंने सिखा दिए हैं, तो आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल को बना के देखिए और उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो नीचे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो, इसको भी। तो आपको जो सिस्टम मैंने तैयार करके बताया कि कैसे बनाना है, उसी तरह से बनाना है आपको। ये लो, जो भी स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा है वो आप लेते जाओ, ले लो। चलो नीचे इस तरह से। ठीक है, हमने अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में बताया था। ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें विलायक के छोटे मॉलिक्यूल्स तो पार कर सकते हैं, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें बारीक होल्स होते हैं, छिद्र होता है, वो इस साइज का होता है कि उसमें विलायक के अणुएं तो आर पार कर सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन विलेय का जो बड़े मॉलिक्यूल साइज होता है वो नहीं पार कर सकती हैं। सो अर्धपारगम इसलिए कहा गया कि एक प्रकार का पदार्थ तो आर पार कर सकता है, दूसरे प्रकार के पदार्थ आर पार नहीं जा सकते हैं, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है इसको। हमने पढ़ा है परासरण की घटना, दो प्रकार की होती है, एक होता है परासरण। क्या है परासरण? ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों पढ़े हैं हमने, और इसके नियम भी पढ़े हैं, वांटअप का नियम, और यहाँ पर विसरण भी पढ़े हमने, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में और विसरण में क्या अंतर है? दोनों की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि परासरण में झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, लेकिन डिफ्यूजन में नहीं होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। और नॉर्मल झिल्ली भी, अगर परासरण की क्रिया में नॉर्मल झिल्ली या नॉर्मल फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं। परासरण की क्रिया में विलायक अणुओं की गति केवल एक ही दिशा में होता है, इसमें दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है। परासरण में विलायक के अणु विलेय के कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। फिर होता है परासरण को उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में अतिरिक्त दाब डाल करके क्या रोक सकते हैं। फिर इसके बाद है परासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है। तो इस तरह से ये दोनों में, द्रव ठोस गैसों दोनों में, तीनों में विसरण की क्रिया होती है। तो ये कुछ बातें देखेंगे, परासरण क्या है, और यहाँ पर हम एक फिगर में इसको भी समझा रहे हैं। एक पिस्टन लगा दिया गया है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये पानी है और इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। हमने क्या किया, जब इस प्रयोग को चालू किए तो हमने यहाँ पर, हमने इसमें पानी यहाँ तक भर के रखा है, इसमें सॉल्यूशन की हाइट इतना है। कुछ समय बाद देखते हैं कि ये ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, चढ़ने लगती है, चढ़ने लगती है, और यहाँ पर आकर के उस समय रुक जाता है। सो ये दिखा रहा है कि ये विलायक जो है इसमें गति कर रही है, तो ये परासरण की क्रिया को शो करता है। और इस आधार पर हम परासरण का दाब कितना, इस सॉल्यूशन में कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी हम पता लगा सकते हैं कुछ कैलकुलेशन के बेस पर। ऑस्मोसिस जो है इसका मतलब होता है कि अगर किन्हीं दो विलयन को, दोनों विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाए तो विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करती है, इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। ठीक है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब जितनी दाब की आवश्यकता होती है उस आवश्यक दाब को परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पर परिभाषाएं लिखी हुई हैं परासरण दाब के लिए, तो अब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अलग अलग तरह से भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमेशा यही बोलता हूँ मैं बार बार आपको कि जो भी पुस्तक होता है वो आपको और भी बहुत सारे चांसेस देता है किसी चीज को समझने के लिए। ठीक है, इसलिए गहराई में जानना बहुत जरूरी है, गहराई में पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे चलता हूं, परासरण को निर्धारित करने के लिए बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण प्रयोगात्मक निर्धारण, तो क्या क्या चीज है, फेफर मेथड, बर्कले हार्टले, डीप ब्रिज, प्लाज्मोलिटिक मेथड, मोर्स फ्रेजर, और टाउनसेंट की प्रतिलोमन विधि यानी टाउनसेंट्स रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। ये इतनी मेथड हमारे पास है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी और आपको जानने लायक बातें हैं वो है बर्कले हार्टले, आपका कोर्स है, इसी को जानना है, मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको। ठीक है,
इसकी सब क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, क्या विशेषताएं हैं। यह बहुत ही तेज प्रक्रिया है और परिणाम बिल्कुल शुद्ध होते हैं। दूसरी बात है, विलयन की सांद्रता नहीं बदलती है क्योंकि विलायक विलयन में प्रवेश नहीं करता है। तीसरी बात यह है कि चूंकि ये परासरण दाब संतुलित रहता है, इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से वो परासरण झिल्ली जो है वो फटती नहीं, तनाव नहीं पड़ती और वो टूटने का उसमें डर नहीं रहता है। वांट ऑफ फैक्टर, जब पदार्थ का विलयन में क्या हो जाता है, वांट ऑफ सिद्धांत है, तनु विलयन का वांट ऑफ सिद्धांत, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला हमने डिराइव किया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया है। गैलोसेक के नियमानुसार हम इसमें क्या कर सकते हैं, गैस के नियमों को लागू कर सकते हैं और गैस के नियमों के अनुसार ये फॉर्मूला इस तरह से बन पाती है। और ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है पाई इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी, एन मतलब डब्ल्यू बी बाई एम बी। ओके, ये इस तरह का फॉर्मूला लिख करके हमने काम चलाया, हमने अब आगे की पढ़ाई किए थे, आपको याद होगा। समपरासरी विलयन, ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं, दोनों के पाई समान होता है और इनके लिए फॉर्मूले क्या बन जाते हैं वो आपको बताया था मैंने। यस, तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो आपके पढ़ने पर, आपके समझने पर और ज्यादा गहराई लेगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप कैलकुलेट इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपके सॉल्यूशन से आपको बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप नोट कर लो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर बाद में आप इसको नोट करके बनाने की कोशिश करना, जितना बनाने का मन करता है उतना बनाना, जितना छोड़ने का मन करता है छोड़ना यार, लेकिन हाँ छोड़ने वाली बात नहीं आती है, सिर्फ पढ़ने और मेहनत करने की बात है। जितनी मेहनत करोगे उतना कम है। और क्या इंपॉर्टेंट है बोलोगे बेटा, सब इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट नहीं बोलोगे तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब सीधा होता है कि जो एग्जाम में आएगा, और कोई दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ ये कॉन्सेप्ट आएगा ये बोल सकते हैं, जो कोर्स है वो आएगा और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, कोर्स के अलावा कुछ नहीं आता है। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, अच्छा मेहनत करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आपको पढ़ाया जा चुका है, तो उस पर आप थोड़ी मेहनत करिए, ठीक है। चलो ओके, ये कुछ और है अब समझ। अच्छा ये हो गया, इसके बाद यहां पर देखें, ये लीजिए विलेय कणों का संगुणन। कुछ विलायकों जो विलेय होते हैं, कुछ विलायक विलयन में जाने के बाद वो संगुणित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसको हमने पढ़ा है। जैसे एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, वो दो अणु में मिलकर के डाइमर बना लेती, द्विलक बना लेती है। वन हाफ फैक्टर अभी पढ़ा है कुछ दिनों पहले, तो इसके सारे कुछ एक न्यूमेरिकल्स होगा वो मैं आपको दिखा, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप जानते हो, जिसके बारे में हमने बातचीत किए हैं, आज भी किए हैं इसके बारे में बातें, ठीक है। ये लीजिए, तो ये पढ़ चुके हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से, आपको पढ़ाया जा चुका है ये चीजें, ये लीजिए, ठीक है, ये लो। अगर आप दोबारा इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, मैंने इसको पढ़ा दिया आपको, तो ये लास्ट क्लास में ही सबको पढ़ाया मैंने, और आप चाहो तो ये क्वेश्चंस और बना के देखिए। अब इसके बाद हम इतना ही कहेंगे कि आपको इस चैप्टर को पूरी तरह कराया गया है और आपको समझना है इस चीज़ के बारे में। कुछ और पॉइंट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सारांश नहीं, अब तो कुछ नहीं है, अब बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन और हमारे बुक्स ने जो एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन बनाए वो है। तो आज आपने देखा कि पूरा चैप्टर जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो आपके लिए, हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, और अगर कुछ छोड़ा भी गया है तो आपको पढ़ने हैं बुक से, ये आप समझो, तभी जाकर के आप बहुत बेहतर कर पाओगे और अच्छा कर पाओगे। तो भाई आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ।